हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल सीएमसी क्विज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बिल्कुल ये सही सुना कि आपको ये एक वीडियो जो है पूरा कोपा पास करवा सकता है आपको। बस शर्त ये है दोस्तों कि जो जो चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा उन सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो है आपको कोपा पास करवा सकता है। तो आशा करते हो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा तो तब भी अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लिया, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लिया, तो आपको कोपा पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नए व्यूवर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको पढ़ना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैग यूज फॉर रेडियो बटन। तो यहाँ पे दोस्तों रेडियो बटन के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, तो सिंपली यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो बटन जो है आपका रेडियो बटन के लिए यूज किया जाता है। तो ए आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर से ये HTML का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके अंदर से आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका HTML का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या CMS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या फिर CSS का। तो यहाँ पे दोस्तों HTML का फुल फॉर्म आपका जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यहाँ पे CMS का जो है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपका YouTube के अंदर भी आता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वहीं अगर बात करें हम CSS के तो कास्केडिंग स्टाइल सीट, ये दोस्तों आपका HTML का एक्सटर्नल कोडिंग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको HTML से ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपका व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस। तो यहाँ पे वेब एड्रेस का अनदर नेम क्या कह सकते हैं, तो वेब एड्रेस को हम URL भी कहते हैं। दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो जो बता रहा हूँ दोस्तों सबको आपको नोट करना है आपके कॉपी के अंदर, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन इसके और आगे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो क्वेश्चन भी आपको नोट करते रहना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस, तो आपका URL है, और यहाँ पे आपका URL का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच HTML टैग इज़ द स्मॉलर हेडिंग। तो दोस्तों स्मॉलर हेडिंग या फिर आपसे बिग हेडिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपके HTML के अंदर सिक्स हेडिंग होते हैं, और सबसे छोटा हेडिंग जो आपका H6 होता है, और सबसे बड़ा जो आपका H1 होता है। तो ये आपके उसके बाद H6 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा H5, और उससे बड़ा H4, और उससे बड़ा जो आपका H3, और फिर H2, और फिर H1। तो यहाँ पे सबसे छोटा पूछा गया, तो आपका सी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा H6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर एडिटिंग अ बैकग्राउंड। तो दोस्तों बैकग्राउंड कलर के लिए जो है कौन सा टैग यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपसे वीडियो ऑडियो इमेज इन सब के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए जो है बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू यहाँ पे आपका येल्लो, या फिर कोई भी कलर हो, तो ये आपका टैग होता है बैकग्राउंड कलर के लिए। तो बी आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों इमेज के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे IMG SRC, ऑडियो के लिए ऑडियो कंट्रोल सोर्स SRC, या फिर वीडियो SRC। तो यहाँ पे आपका ऑडियो वीडियो और इमेज के लिए पूछा जा सकता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच इज़ द करेक्ट CSS सिंटैक्स। तो यहाँ पे CSS जो था आपका कास्केडिंग स्टाइल सीट, तो यहाँ पे उसके अंदर कौन सा सिंटैक्स जो है वो सही है। तो दोस्तों सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पे बॉडी के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आपका कोई सिंटैक्स लिखा हुआ है तो वो आपका CSS के लिए सही होता है, क्योंकि बॉडी के बाद ही आपका CSS का जो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर शुरू होता है। तो बी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि विच करेक्टर इन HTML यूज टू इंडिकेट एंड टैग। तो दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिकल के जो वीडियोज़ आई है उनमें देखा होगा, तो एंड टैग के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपका ये वाला साइन यूज़ किया जाता है। तो बी आंसर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि OSI मॉडल लेयर। तो यहाँ पे OSI मॉडल लेयर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे OSI का सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि OSI का फुल फॉर्म बताइए, या ISO का फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पे OSI जो होता है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके जो दोस्तों यहाँ पे 7 लेयर्स होते हैं, तो आपको लेयर्स के नाम भी याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट लेयर हो गया फिजिकल, सेकंड हो गया डेटा लिंक,
थर्ड की बात करें तो नेटवर्क, और फोर्थ आपका ट्रांसपोर्ट, वहीं फिफ्थ जो आपका सेशन, और सिक्स्थ प्रेजेंटेशन, और सेवन आपका एप्लीकेशन। तो आपको सिंपली इसके नाम भी याद होने चाहिए कि सेवन लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर आपका फिजिकल, सेकंड जो डेटा लिंक, और थर्ड नेटवर्क, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ सेशन, सिक्स्थ जो आपका प्रेजेंटेशन, और सेवन्थ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको सिंपल से बात है कि ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों आपका जो फर्स्ट लेयर है वो आपका रिपीट वर्क करता है, और आपका जो नेटवर्क लेयर है वो ट्रांसफ़र का काम करता है। तो ये जो है दो बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। तो आपका ADSL जो होता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो सी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों सारे क्वेश्चंस जो आपको कॉपी में नोट करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों और फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, UTP होता है आपका अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, WWW होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, LAN होगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वहीं MAN की बात करें तो MAN आपका वाइड एरिया नेटवर्क, और सॉरी MAN जो आपका मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और WAN जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों वहीं पे अगर बात करें EFT को, तो EFT हो गया इलेक्ट्रॉनिकल फंड ट्रांसफ़र। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि व्हाट इज़ द कॉल्ड द इंटरकनेक्शन कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड एट द डिफरेंट प्लेस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो आपका लोकेशन है, सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क सी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग VBA कोड, या फिर HTML कोड, या फिर आपका JavaScript कोड। तो यहाँ पे आपके कई सारे कोड दे देंगे, और उससे जो आपका क्या उसका आउटपुट आएगा तो वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि प्रिंट फॉर्मेट में आपका ये फॉर्मेट है, और यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, ईयर, और उसके बाद मंथ, फिर डेज। तो सबसे पहले ईयर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ईयर आ चुका है 2017, उसके बाद जो है आपका मंथ आ गया 1, और फिर आपका डेज आ गया 1। तो यहाँ पे सी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस जो यहाँ पे जो भी आपके VBA कोड दिया रहेगा, या फिर HTML या फिर JavaScript कोड, अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर जो है उसी के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म ऑफ वाइल डिजाइनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जब भी आप VBA में काम करते हो, तो आपके जो प्रॉपर्टीज विंडो के लिए क्या यूज़ किया जाता है शॉर्टकट की, तो वो आपका F4 होता है। F4 जब भी आप प्रेस करते हो तो आपका प्रॉपर्टीज विंडो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो दोस्तों यहाँ पे विच मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। तो यहाँ पे कौन सा मेथड है जिससे एरे के अंदर, एरे क्या होता है दोस्तों सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए। तो एरे जो है आपका एक तरह का वर्ड हो गया, या फिर एक सेंटेंस हो गया, जैसे कि रविश कुमार, या फिर उमेश कुमार, या फिर उमेश कुमार। तो ये सारे क्या है आपके एक तरह के एरे हैं। जैसे आप किसी के नाम हो गए तो ये आपके एक तरह से एरे आ जाते हैं। तो क्या कर रहा है कि लास्ट एलिमेंट, जो भी आपके एलिमेंट है, जो भी जैसे कि रविश कुमार है, तो उसमें से लास्ट को रिमूव करने के लिए, जैसे कि कुमार को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, जॉइन, या पुश, या शिफ्ट, या पॉप, या फिर यहाँ पे आपके जो दे रखे हैं। तो दोस्तों इन सब के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है, इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जॉइन दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऑल एलिमेंट, यानी कि जॉइन जो है वो आप कितने सारे भी एलिमेंट एक साथ जोड़ सकते हो। जैसे कि रविश कुमार सिंह जोड़ना हो तो एक साथ रविश कुमार सिंह आ जाएगा आपका। वहीं दोस्तों पुश की बात करें तो पुश क्या है आपका, एट मोर एलिमेंट टू द एंड। तो यहाँ पे पुश जो है आपका लास्ट, जैसे कि यहाँ पे उमेश कुमार है तो उमेश ऐसे, जैसे कि उमेश है, उमेश में मुझे कुमार जोड़ना है, तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों अगर मैं पुश का यूज़ करता हूँ तो उमेश कुमार आ जाएगा। तो लास्ट में जोड़ने के लिए आपका जो है पुश है। वहीं दोस्तों आपका शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट क्या है, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे उमेश कुमार है और मुझे क्या करना है, शिफ्ट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उमेश को जो हटा देगा, ओनली सिर्फ यहाँ पे कुमार रह जाएगा। तो शिफ्ट क्या है कि पहले जो वर्ड है उनको रिमूव करने के लिए। वहीं जो अगर हम पॉप की बात करें तो रिमूव द लास्ट एलिमेंट, यानी कि आखिर में जो
जितने भी वर्ड है उनको रिमूव करने के लिए, तो लास्ट में जितने भी एलिमेंट है उनको रिमूव करने के लिए जो आप पॉप का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों उमेश है और उमेश कुमार है, और मैंने पॉप यूज़ किया तो ये सिर्फ उमेश रह गया, लास्ट का कुमार जो है वो हट गया। तो वही पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि विच मैथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे, तो यहाँ पर आपका पॉप आ जाएगा। तो सी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चंस को नोट करना है और क्या है उन सार को दोस्तों समझते हुए आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे है विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है आउटसाइड फंक्शन वो कौन सा होता है, तो आपका यहाँ पे ग्लोबल जो वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है वो आपका आउटसाइड फंक्शंस को डिक्लेयर करता है। तो हमारा जो बी आंसर है यहाँ पे वो राइट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि विच इज़ रेफर टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नेटवर्क सिस्टम, तो दोस्तों यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नेटवर्क सिस्टम, तो वो आपका जो यहाँ पे OSI मॉडल करता है जो आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, और इसी ने दोस्तों यहाँ पे 7 लेयर डिफाइन किया था। अगर हम कोई डेटा को, अब दोस्तों यहाँ पे 7 लेयर का काम क्या है, जैसे कि अगर हम कोई डेटा भेजते हैं किसी के पास तो वो जो है वो 7 लेयर से होकर वहाँ पे जाता है दूसरे सिस्टम तक। तो यहाँ पे उसी को डिफाइन किया था OSI मॉडल ने। दोस्तों यहाँ पे आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो OSI जो आपका हो गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, वहीं पे ये जो आपका ISO है इसके द्वारा मॉडम जो यहाँ पे OSI मॉडल है इसको डिफाइन किया गया था। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्डलाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ये आपका OSI का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है विच डिवाइस इज इंस्टॉल इन अ सब्सक्राइबर टेलीफोन लाइन टू अलाउ बोथ ADSI एंड रेगुलर वॉइस टेलीफोन सर्विस टू यूज़ एट द सेम टाइम, तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है कि वॉइस जो आपके कन्वर्ट होते हैं वो आपके सब्सक्राइबर लाइन के अंदर इंस्टॉल होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो माइक्रो फिल्टर जो है उसको माइक्रो फिल्टर कहते हैं। तो डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच इज़ द सीक्वेंस इन कंप्यूटर ऑपरेट्स, तो दोस्तों सीक्वेंस क्या है आपका कंप्यूटर ऑपरेट्स का, तो सबसे पहले जो हम आउट इनपुट देते हैं फिर हम प्रोसेसिंग होता है और देन आउटपुट निकलता है, तो हमारा जो बी आंसर है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, तो ये आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर आपको ज़रूर देखना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो फर्स्ट चैप्टर जो है जरूर देखें अगर आपको अच्छे नंबर और अच्छे नंबर चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि हु कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आपका चार्ल्स बैबेज है, तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों यहाँ पे और फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो सिम हो गया आपका सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिम होता है आपका डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, बायोस आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वहीं पे तो दोस्तों वहीं अगर हम CMOS की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाता है CMOS हो जाता है आपका यहाँ पे कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे CMS की भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। टिफ होता है आपका टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि विच इज एन एग्जांपल ऑफ वैन, तो वैन क्या होता है दोस्तों यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया मीन्स आपका पूरे दुनिया के अंदर जो फैला हुआ नेटवर्क है उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो वहाँ पे आपका इथरनेट जो है यानी कि इंटरनेट जो है आपका वो पूरे दुनिया के अंदर फैला हुआ है, तो ए आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं, उनको आंसर पता ही नहीं होता, तो दोस्तों इसको समझना है आपको कि क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट व्हेन द डेटा, जो भी डेटा है आपका जैसे कि फॉरेन की है इज सेट टू द फॉर्मेट, सेट टू द टेक्स्ट फॉर्मेट ग्रेटर देन इन एक्सेस, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का जो साइन है इस साइन को आपको देखना है, और यहाँ पे फॉरेन की जो आपका पहले से ग्रेटर हो रखा है लेकिन की जो है आपका वो स्मॉल में है, तो ये अगर हम इस फॉर्मेट में रखते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएंगे यानी कि बड़े हो जाएंगे, तो बी आंसर जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर इस साइन को ये चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लेस देन का साइन लगा देते हैं अगर, तो आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका फॉरेन की जो यहाँ पे स्मॉल वाला है वो आ जाएगा आपका आंसर में, तो ए आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर स्मॉल वाला लगाता है तो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओले, ओले यानी एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि स्टैंड, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ओले का फुल फॉर्म क्या होगा,
ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो फर्स्ट आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे दोस्तों कुछ फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं एमएस एक्सेस से, जैसे कि एसक्यूएल हो गया आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वहीं पे अगर डीडीएल की बात करें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल हो गया आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टीसीएल हो गया आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, वहीं पे आपका डीसीएल होता है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और डीक्यूएल होता है आपका डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और दोस्तों यहाँ पे OODBMS होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वहीं पे अगर पूछा जा सकता है आपसे नो एसक्यूएल होता है तो आपका नोट ओनली एसक्यूएल। तो ये कुछ फुल फॉर्म है जो आपसे एक्सेस से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा सकता है आपके कि विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट एरे इन जावा स्क्रिप्ट। तो दोस्तों एरे के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज किया जाता है, तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है। तो बी आंसर जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट अलोंग विद द डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा डिवाइस है, जैसे कि हब, राउटर, ब्रिज, स्विच, तो इसमें से कौन सा डिवाइस है जो डेटा लिंक लेयर से जो है मल्टीपल नेटवर्क्स को सेगमेंट को कनेक्ट करता है, तो वो आपका यहाँ पे ब्रिज हो गया। तो बी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है आपका ब्रिज जो है आपका सॉरी वो आपका ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों विच इज द स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर कैटेगरी 5 अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। तो यहाँ पे UTP का जो आपसे फुल फॉर्म ही पूछ सकता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, तो यहाँ पे जो कैटेगरी 5 के लिए यूज किया जाता है वो आपका RJ45 है। तो डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है आपका, और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को आपको राइट करते रहना है। तो यहाँ पे विच डिवाइस मॉड्यूलेट अलोंग सिग्नल टू इनकोड डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड डीमॉड्यूलेट कैरी सिग्नल टू डिकोड। यानी कि दोस्तों जब आप बात करते हो तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल वो जो चेंज होता है, वही पूछ रहा है आपका यहाँ कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो सिंपली यहाँ से आपका मोडम है, मोडम जो यूज किया जाता है आपका टेलीफोन के अंदर, वो आपका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे विच डिवाइस इज यूज टू एम्पलीफाई रीजनरेट डिजिटल सिग्नल्स रिसीव्ड वाइल सेंडिंग देम फॉर वन पोर्ट ऑफ नेटवर्क इनटू अनदर। तो यहाँ पे रीजनरेट का काम करता है आपका रिपीटर का काम जो है, रीजनरेट का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि रीजनरेट जब भी आए तो रिपीटर रीजनरेट से रिपीटर। तो यहाँ पे डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है दोस्तों ये, कि विच प्रॉपर्टी इज यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर इंटरनेट। दोस्तों फाइल ट्रांसफर के लिए क्या यूज किया जाता है, तो यहाँ पे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वहीं पे अगर IP की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वहीं पे अगर हम SMPT की बात करें, SMTP की बात करें तो सिस्टम मेल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है आपका FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से वही कोडिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है, कि आपको कोई एक कोडिंग दे देंगे उसका आउटपुट पूछेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड दे रखा है और वेरिएबल दो दे रखे हैं, एक वेरिएबल हमारा एक्स और वाई, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, एक्स इक्वल्स टू ITI लिखा हुआ है और वाई इक्वल्स टू गवर्नमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है दोस्तों कि अगर कॉनकैटिनेट एक्स है तो यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट राइट जो है वो करते हैं तो क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया है, उसमें इसने डिक्लेयर कर दिया है कि वाई और कॉनकैट एक्स, तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा तो पहले वाई आएगा गवर्नमेंट और ITI, तो यहाँ पे जो हमारा सी आंसर है वो राइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा वो सी आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, यानी तो पहले तो वाई आ चुका है, पहला वाई जो आपका गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आ गया,
लेकिन यहाँ पे कॉन्केटिनेट यानी उसके साथ जोड़ गया यहाँ पे ITI, तो यहाँ पे आपका जो सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के कोडिंग को आपको समझना होगा कि क्या कहना चाह रहा है, तो कोडिंग की जो वीडियोज आती है दोस्तों उनको ध्यान से देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि विच डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, तो यहाँ पे कौन सा जो डिवाइस है वो डेटा को फॉरवर्ड करता है यानी कि भेजता है दूसरे नेटवर्क तक, तो वो आपका राउटर है। राउटर जो है आपका डेटा फॉरवर्डिंग का काम करता है, तो बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा जा सकता है कि विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट वन नेटवर्क विथ अनदर नेटवर्क दैट यूज़र डिफरेंट प्रोटोकॉल, तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिसके प्रोटोकॉल डिफरेंट हो फिर भी कनेक्ट कर ले ऐसा कौन सा डिवाइस है, तो वो आपका जो यहाँ पे गेटवे है। गेटवे जो आपका जो ये काम करता है जिसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको भी ये कनेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDI, EDI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, तो इसका आंसर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, तो ए आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों यहाँ से और क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो यहाँ पे कोड यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, EDI से आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। वहीं पे दोस्तों PDE और SSL, तो SSL होता है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर और PDE होता है आपका, बात करें PDE जो होता है आपका प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ CGI, यानी कि यहाँ पे एब्रीविएशन का मतलब भी आपसे फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा, तो CGI होता है आपका कॉमन गेटवे इंटरफेस, तो बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपसे फिर से कोडिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो दोस्तों कोडिंग की वीडियो को ध्यान से देखा करें कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड, तो यहाँ पे कुछ जावा स्क्रिप्ट के कोड दे रखे हैं, तो वार जो होता है आपका वेरिएबल के लिए है, तो वेरिएबल नेम इक्वल्स टू यहाँ पे लिख रखा है कन्याकुमारी, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों नेक्स्ट वेरिएबल में कि सब स्ट्रिंग 8 और 2, दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखना है 8 और 2 यानी कि 8 से शुरू होगा और 2 वर्ड्स चाहिए, तो वो क्या आंसर होगा, तो यहाँ से दोस्तों काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे दोस्तों स्पेस को भी ये काउंट करते हैं, तो 6 7 और 8, तो 8 पे दोस्तों यहाँ पे U है और उससे 2 लेना है, तो U और M जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो A जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इससे आउटपुट का, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो भी ये कोड दे रखा है वहाँ पे अगर इसका आउटपुट हम निकालेंगे तो UM जो इसका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UDF इन VBA, तो दोस्तों VBA के अंदर UDF जो है इसका क्या फुल फॉर्म है ये पूछ रहा है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन या फिर यूजर डेटा फंक्शन या अनडिफाइंड फंक्शन या फिर यूज, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है UDF का यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर टैक्स इनपुट फील्ड, तो दोस्तों यहाँ पे फिर से HTML टैग का पूछा गया है, तो टैक्स यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट के लिए अगर हमें टैक्स एंटर करवाने होते हैं तो कौन सा इनपुट टैग जो है हमें यूज़ करना होता है, तो दोस्तों यहाँ पे इनपुट टाइप जो है आपका टैक्स होगा, तो यहाँ पे बी आंसर में देख सकते हैं दोस्तों इनपुट टाइप इक्वल्स टू टैक्स, तो यहाँ पे बी आंसर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिछले एग्जाम में आ भी चुका है कि विच वेब लैंग्वेज गिव मोर कंट्रोल ओवर द HTML एलिमेंट एंड अलाउ देम टू चेंज द एनी टाइम विदाउट रिटर्निंग टू वेब सर्वर, तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर है वो DHTML यानी कि डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो सकता है। और दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना HTML के अंदर जाए उसको उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, तो डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे फिर से देख सकते हो कि व्हाट इज़ द आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट दे रखा है व्हेन द डेटा 1678.95 इज सेट टू द फॉर्मेट, यहाँ पे हैज़ 0.00 इन एक्सेस, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि इसी फॉर्मेट में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे इसी फॉर्मेट में बोल रहा है, तो सेम का सेम आ जाएगा और यहाँ पे बच्चे जो है कुछ और समझ लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो सेम फॉर्मेट कह रहा है, तो 1678.95, तो यहाँ पे ये वाला आंसर जो डी आंसर है ये राइट आंसर हो जाएगा।
वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच टेक्निक प्रिवेंट इनवैलिड डेटा बीइंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल। तो यहाँ पे इनवैलिड डेटा जो है वो डेटा वैलिडेशन रूल के अंदर आता है, तो यहाँ पे जो सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, वैलिडेशन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे विच कॉम्बिनेशन ऑफ की जूम द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सेस डेटाबेस। तो यहाँ पे जूम करने के लिए दोस्तों सिंपली जो हम शिफ्ट F2 प्रेस करते हैं तो जूम हो जाता है, तो सी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है कि विच वैलिडेशन रूल अलाउ ओनली 0.0 से 9 तक फॉर फील्ड इन एक्सेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझना है कि इज नल और नॉट लाइक ये सब में आपको मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ये आपका 0 से 9 होगा इनके अंदर जो आपको स्पेस नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका कोई भी स्पेस ना हो। तो अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली दोस्तों ये आपका एक ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो दोस्तों यहाँ पे फिर से देख सकते हो VBA की कोडिंग आ चुकी है, उससे आउटपुट पूछ रहा है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक वेरिएबल दे रखा है और डिम यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, तो S जो यहाँ पे आपका वेरिएबल है और होल हर्टेड लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मिड फंक्शन यूज़ किया गया है और मिड में जो है दोस्तों पूछ रहा है S जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर 6 से लेके 4 तक चाहिए। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 में देख सकते हो दोस्तों H आ गया, उसके बाद 4 चाहिए तो HEAR, तो HEAR, तो HEAR जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और B में देख सकते हैं दोस्तों HEAR। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग VBA कोड। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एक VBA कोड दे रखा है और जो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है लेफ्ट से, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट से जो आपका A दे रखा है उसके अंदर से 10 चाहिए, तो लेफ्ट से क्या काउंट करते हैं यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर और O आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कंप्यूटर और O। तो देखते हैं ऑप्शन में कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर। तो दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे कंप्यूटर के बाद O आएगा, तो ये आपका सी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी आंसर जो आपका कंप्यूटर O राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों कि विच ऑब्जेक्ट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पे दोस्तों टेबल जो है आपका वो स्टोर करता है डेटा को, तो यहाँ पे टेबल जो इसका आंसर राइट हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन आपका जो एक्सेल या फिर एक्सेस के अंदर होता है, तो वो आपका इस रिलेटेड डेटा को जो स्टोर करता है आपका वो टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच व्यू अलाउ टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस। तो यहाँ पे कौन सा व्यू जो है आपका टेबल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपका डिज़ाइन व्यू है, डिज़ाइन व्यू। तो ए आंसर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वो डेवलप्ड जावा स्क्रिप्ट। तो दोस्तों जावा स्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया था, तो वो आपका ब्रैंडन ईच था या फिर ब्रैंडन रिच था या जॉनी मोचली था या फिर जॉनी एकर्ड था। तो यहाँ पे आपका ब्रैंडन ईच था, वो आपका ब्रैंडन ईच जिसने जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया था, तो ए आंसर जो है उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि विच इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है जावास्क्रिप्ट में वो क्या है आपका, ये सेमी कोलोन का साइन होता है आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर के लिए, तो बी आंसर जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOM। तो BOM का फुल फॉर्म बताना है, तो आपका ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यहाँ पे जो बी आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। दोस्तों जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको आपको नोट डाउन करना है, इनमें से जो है क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों उन सबको आपको लिखते रहना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि विच इज़ अ वैलिड JS कोड टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एरे एंड ट्रैकल। तो यहाँ पे जो JS मीन्स होता है जावा स्क्रिप्ट कोड, तो सॉर्टिंग के लिए कौन सा यहाँ पे यूज़ किया गया है,
तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शॉर्टिंग के लिए जो होता है, कोई भी अगर किसी को शॉर्ट करना है तो पहले लिखेंगे हम ट्रेड, उसके बाद डॉट शॉर्ट। तो यहाँ पे ट्रेड के जगह कुछ और भी दे सकता है लेकिन क्वेश्चन जो है आपका सेम रहेगा। तो ट्रेड डॉट शॉर्ट और उसके बाद ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और फिर सेमी कॉलोन। तो बी आंसर जो है आपका वो राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको ये वाला जो फॉर्मेट देखना है और इस फॉर्मेट में ही आपका आंसर जो है ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ अ फॉलोइंग VBA फंक्शन। तो यहाँ पे फिर से एक फंक्शन दे दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों राइट, तो राइट से बताना है आपको 6 करेक्टर। तो राइट कौन सा है दोस्तों, इस तरफ से राइट है आपका, तो 6 गिन लेंगे और वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आप कोडिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर जो है उसके अंदर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों फर्स्ट आंसर में जो है आपका आंसर हो गया, ये फर्स्ट आंसर जो आपको लिखा हुआ है मैट्रिक्स, तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली। तो टैली जो है आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो फर्स्ट आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आपका टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मैनी पिंस आर देयर इन सिम्स। तो दोस्तों सिम्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो इसके अंदर कितने पिंस होते हैं, तो वो आपके 32 से लेके 72 के बीच में इसके अंदर पिंस होते हैं। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे कि हाउ मैनी पिंस आर देयर इन डिम्स। तो डिम्स में जो आपका 168 पिंस होते हैं, तो आपको डिम्स की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। तो पैरेलल पोर्ट जो है आपका वो ट्रांसफर अ बाइट 8 बाइट्स को जो है एक बार में ट्रांसफर करता है, तो आपका जो डी आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है जो ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो आपका कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट जो है आपका उसका यूज किया जाता है, तो सी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉड्यूल। जो ये आपका मॉड्यूल का साइन है, ये ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जो आपका ऑपरेटर्स का साइन है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, या परसेंटेज के लिए, या रिमाइंडर के लिए, या प्रोडक्ट वैल्यू, या फिर क्वांटिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो यूज़ किया जाता है वो आपका रिमाइंडर के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो राइट आंसर हो जाएगा, तो सी जो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक VBA का जो है आपको कोडिंग दी गई है, उसका आउटपुट बताना है। तो सिंपली इसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देख सकते हो x जो है आपका वो वेरिएबल है, और वेरिएबल जो यहाँ पे आपका डिक्लेयर कर रखा है कि इंस्टीट्यूट लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आपको दिख रहा होगा। तो ग्रेटर देन का साइन का मतलब क्या होगा कि इंस्टीट्यूट को जो है ग्रेटर करेगा, यानी कि कैपिटल में कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप कोडिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से इसका आंसर जो है फाइंड कर पाओगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप कोडिंग को ध्यान से देखोगे जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी एक आउटपुट बताना है आपको कि व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर फॉलोइंग VBA कोड। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों डेट डिफ जो है आपका, यहाँ पे डेट डिफ आपका, तो सिंपली दोस्तों डेट डिफ जो है आपका दो डेट दे देंगे आपको, उसके अंदर जो है आपको क्या करना होगा कि कितने का डिफरेंस है वो बताना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 1/12/2016 और यहाँ पे 31/1/2017, तो एक महीना बचा है, एक महीना है इनके बीच के अंतर। और उसमें से भी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 1 है, तो अगर हम 31 में से जो यहाँ पे 30 माइनस कर देते हैं तो 1 बच जाता है, तो यहाँ पे बी इसका जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों कि पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आर देयर इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं। दोस्तों हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो 8 होते हैं, तो हमारा जो डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा कि 8 ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है कि विच की इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों आपने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग देखी होगी, तो उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लेते हैं वार।
तो वी ए आर लेते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। यहीं पे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वी बी ए के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं वहाँ पे डिम, तो डिम लेते हैं आपका वी बी ए के अंदर, और जो आपका वर्ड लेते हैं आपका एस टी जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे HTML के बता दूँ कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच VBA फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर केस टू लोअर केस। तो यहाँ पे अपर केस से लोअर केस में चेंज करने के लिए कौन सा जो है VBA के अंदर फंक्शन यूज़ किया जाता है, तो आपका एल केस यानी कि लोअर केस। तो यहाँ पे ए आंसर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एल केस जो आपका लोअर के लिए, और यहाँ पे यू केस जो आपका अपर के लिए। तो ये दोनों आपका यूज़ किया जाता है VBA के अंदर, अपर केस के लिए और लोअर केस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच डेटा टाइप कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यूज इन VBA। तो VBA के अंदर जो है किसी भी टाइप की वैल्यू को होल्ड करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो आपका वेरियंट है। तो वेरियंट जो आपका यूज़ किया जाता है VBA के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए, तो ए आंसर जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TOC। तो TOC का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, टेबल ऑफ कंटेंट। तो हमारा जो सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट सी आंसर जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ W3C इन डोम। तो दोस्तों यहाँ पे डोम के अंदर जो W3C है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका W3C जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टियम। तो आपका जो बी आंसर है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टियम। दोस्तों सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चंस अगर देख लेते हो तो आपको और क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विच फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट कन्वर्ट अ नंबर टू अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या कहता है कि नंबर्स को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन जो है जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ किया जाता है, तो आपका टू स्ट्रिंग, और आपका यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो लिखना है। तो टू स्ट्रिंग जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो डी आंसर जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अलाउ डेवलपर्स टू बंडल ऑल फंक्शनैलिटी अंडर द यूनिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेम। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है इसका वो नेम स्पेस ही है, तो नेम स्पेस इसका आंसर है बी आंसर जो इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पस क्या है, तो ये आपका क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, तो ए आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच साइन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा साइन यूज़ किया जाता है, तो वो आपका इक्वल्स टू जो है यूज़ किया जाता है, इक्वल्स टू का साइन, तो ए आंसर जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू हैंडल द एरर। तो एरर को कौन हैंडल करता है, वो आपका ट्राई है, तो ट्राई जो है आपका वो हैंडल करता है एरर को, तो ए आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि विच ऑपरेटर इज़ यूज टू चेक द बोथ वैल्यूज एंड टाइप इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे बोथ वैल्यूज एंड टाइप को कौन चेक करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपका यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू का साइन होता है, तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो चेक करता है, तो डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट फाइव करेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो दोस्तों स्ट्रिंग के अगर फर्स्ट फाइव करेक्टर्स अगर लेने होंगे तो कौन सा जो है फंक्शन यूज़ किया जाएगा, तो वो आपका लेफ्ट यूज़ किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो कंप्यूटर के अंदर लिखा जाता है वो लेफ्ट से लिखा जाता है। तो अगर फर्स्ट फाइव करेक्टर चाहिए यानी कि STRIN, तो यहाँ पे आपका यूज़ किया जाएगा लेफ्ट, तो बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन VBA हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर अवेलेबल इन VBA। तो दोस्तों VBA के अंदर कितने जो है एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, तो वो आपके दो होते हैं, तो फर्स्ट आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन कोड विंडो इन VBA। तो VBA के अंदर कोड विंडो को ओपन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आपका F7 यूज किया जाता है। तो फर्स्ट जो है हमारा वही राइट आंसर हो जाएगा, F7 विंडो, कोड विंडो ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कीवर्ड्स इन VBA। तो दोस्तों जो कीवर्ड्स होते हैं यानी कि जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनका जो अनदर नेम जो है वो आपका रिजर्व वर्ड्स होते हैं, यानी कि इनको ना हम चेंज कर सकते हैं ना इनमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो ये आपका जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं VBA के अंदर, तो डी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इन विंडो इन VBA। तो यहाँ दोस्तों प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो ओपन करने के लिए VBA में क्या यूज किया जाता है, तो आपका कंट्रोल R यूज किया जाता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के लिए। तो यहाँ पे A आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE का फुल फॉर्म। तो दोस्तों IDE जो आपका है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो आपका जो सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टेप इनटू लाइन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन इन VBA। कि लाइन बाय लाइन अगर एग्जीक्यूशन करवाना है VBA के अंदर अपनी कोडिंग की तो कौन सा जो शॉर्टकट की यूज किया जाता है, तो वो आपका F8 है। तो यहाँ पे डी आंसर जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन विजुअल बेसिक एडिटर। तो यहाँ पे विजुअल बेसिक एडिटर के लिए ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, तो वो आपका ऑल्ट F11 है। तो फर्स्ट आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि VBA का फुल फॉर्म बताइए, तो विजुअल बेसिक एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच इज अ प्रॉपर ऑब्जेक्ट हायरार्की इन VBA। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर ऑब्जेक्ट हायरार्की VBA के अंदर कौन सा है, तो वो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन आता है, फिर वर्कबुक आता है, फिर वर्कशीट आता है, फिर रेंज आता है। दोस्तों सबसे पहले जो मैंने कोडिंग बताई थी उसके अंदर आपको इसके बारे में मिल जाएगा VBA की कोडिंग। तो यहाँ पे डी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाइल डीबगिंग कोड विच स्टेटमेंट अलाउ टू गो टू द हाईलाइटेड लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी हम डीबग करते हैं VBA के अंदर तो नेक्स्ट लाइन जो हाईलाइटेड लाइन होता है उस पर जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो वो सिंपली आपका सो नेक्स्ट यूज करते हैं। तो डी आंसर जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर ऑफ टैली है उसका क्या यूज़ है, तो यहाँ पे इसका आंसर है आपका टू गेट डेली बैलेंसेस एंड ट्रांजेक्शंस वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो इसका सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, टू गेट डेली बैलेंसेस एंड ट्रांजेक्शंस वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इन टैली। तो कैलकुलेटर ऑन करने के लिए टैली में कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है, तो वो आपका सिंपली यहाँ पे कंट्रोल N यूज़ किया जाता है। तो सी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कैलकुलेटर के लिए जो यूज़ किया जाता है आपका वो कंट्रोल N यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हु गिव्स बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी बट विल क्लेम इन फ्यूचर। तो दोस्तों वो कौन से होते हैं जो विदाउट रिसीविंग मनी लेकिन फ्यूचर में क्लेम कर सकते हैं, तो वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं। तो ए आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैली के अंदर क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टैली ऑडिट फीचर इन टैली ERP 9। तो आपका जो टैली ऑडिट फीचर है वो ERP 9 के अंदर उसका क्या पर्पज़ है, तो वो आपका है वेरीफाइंग वैलिडिएट एंड एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका यही काम है आपका टैली ऑडिट फीचर का, वेरीफाइंग वैलिडिएट एंड जो भी डेटा है आपके वो उनको एक्सेप्ट करने का। तो डी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन इज यूज टू व्यू द ट्रायल बैलेंस ऑन अ स्क्रीन। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए क्या सीक्वेंस यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे वो सीक्वेंस क्या है दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाते हैं, फिर डिस्प्ले का ऑप्शन चूज करते हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच फंक्शन की इज़ यूज टू एंटर परचेज, तो यहाँ पे परचेज के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है टैली के अंदर, तो वो आपका सिंपली F9 जो है यूज़ किया जाता है, तो डी आंसर जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि विच फंक्शन की इज़ यूज टू एंटर रिसिप्ट्स, तो रिसिप्ट के लिए कौन सा, अगर हमें रिसिप्ट चाहिए तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करके हम रिसिप्ट निकाल सकते हैं टैली के अंदर, तो वो सिंपली आपका F6 है, F6 जो है आपका उसका यूज़ करके हम रिसिप्ट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल्ट W इन टैली, तो ऑल्ट W की का जो है क्या यूज़ है टैली के अंदर, तो सिंपली दोस्तों इसका यूज़ है ओपन डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर्स, तो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर्स को ओपन करने के लिए ऑल्ट W यूज़ किया जाता है, तो आपका सी आंसर जो है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू शट द कंपनी फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन, तो यहाँ पे कंपनी को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है टैली के अंदर, तो यहाँ पे सिंपली ऑल्ट F1 जो है यूज़ किया जाता है कंपनी को शट करने के लिए, तो ए आंसर जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच फंक्शन की इज़ यूज टू एंटर पेमेंट, तो यहाँ पे पेमेंट के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है, तो वो सिंपली दोस्तों आपका जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो F5 जो है यूज़ किया जाता है पेमेंट के लिए F5, तो बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेमेंट के लिए जो टैली के अंदर यूज़ किया जाता है वो आपका F5 यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज़ पेमेंट गेटवे, तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे के लिए ई कॉमर्स के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, तो आपका G2C, तो यहाँ पे G2C जो है आपका पेमेंट गेटवे के लिए यूज़ किया जाता है, तो सी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज़ ई कॉमर्स साइट, तो यहाँ पे ई कॉमर्स साइट कौन सा है, जहाँ ई कॉमर्स साइट दोस्तों वो साइट्स होते हैं जहाँ से आप कुछ सामान खरीदते हो, तो यहाँ पे आपका अमेजोन जो है ई कॉमर्स साइट के अंदर आता है, तो आपका डी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच वन इज़ अ ऑनलाइन पेमेंट, तो किसके थ्रू जो है हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका पेटीएम है, पेटीएम के थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ कॉल्ड सेल और परचेज ऑफ आइटम विदाउट फिजिकली विजिटिंग अ शॉप, तो यहाँ पे दोस्तों फिजिकली विजिटिंग नहीं करना है शॉप के अंदर और आपको सामान भी खरीद लेना है, तो वो आपका ई कॉमर्स के अंदर आता है, तो आपका ई कॉमर्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के विच इज़ द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ़ द सेलर एंड बायर आर बोथ बिजनेस फर्म, तो दोस्तों यहाँ पे सेलर भी बिजनेस वाला है और बिजनेस फर्म वाला है और यहाँ पे बायर भी बिजनेस फर्म वाला है, और इन दोनों के अंदर अगर जो आपके बिजनेस होता है तो वो किसके अंदर आता है, तो यहाँ पे आपका वो बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है, तो बिजनेस टू बिजनेस, तो सी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अंदर दो तीन आते हैं आपके B2B, B2E और C2C, तो सबसे पहला तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड जो आपका बिजनेस टू कस्टमर्स या बिजनेस टू ई कॉमर्स, या फिर सी जो आपका कस्टमर टू कस्टमर, तो यहाँ पे सी आपका जो है कस्टमर टू कस्टमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच रेफर्स टू पेइंग द मनी बैक टू द बायर आफ्टर द प्राइस हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट, तो दोस्तों जब आप पे करते हो और आपका जो जितना भी बैलेंस आता है, जितना आपको पे करना होता है, उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं तो वो आपको वापस मिल जाता है, तो आपका रिफंड हो जाता है, तो रिफंड हो गया आपका राइट आंसर, तो ए आंसर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे तो आपका सेलर टू बायर कर दिया, ऐसे दोस्तों यहाँ पे आपसे बायर या बिजनेस फर्म की जगह कुछ और कर देंगे, यहाँ पे बायर बिजनेस टू सेलर टू यहाँ पे कस्टमर कर देंगे, तो आपका जो सेकंड आंसर आ जाएगा, या फिर सेलर टू सेलर कर देंगे तो आपका जो यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पास द IT Act, तो IT Act कब पास हुआ था, तो वो आपका 2000 में पास हुआ था, तो सी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LDAP, तो LDAP का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, तो आपका जो यहाँ पे सेकंड आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड कलेक्टिव टर्म्स ऑफ मिलीशियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स। तो दोस्तों ये सारे जो आपके आते हैं वो मालवेयर्स के अंदर आते हैं जो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, तो मालवेयर्स के अंदर ये आपके सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम ऑनलाइन अटैक्स, डिलीशन एंड मालवेयर्स। तो दोस्तों अटैक्स, डिलीशन और मालवेयर्स, इन सबसे जो हमारी रक्षा करता है वो आपका साइबर सिक्योर। तो आपका जो बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIA अंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के तहत जो आपका CIA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो CIA का फुल फॉर्म आपका कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि व्हाट इज़ द कॉल्ड अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर सेवरल नेटवर्किंग सर्विस। तो यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्किंग सर्विस का जो है एक ही पॉइंट जो है आपका वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपका वो कहलाता है, तो यहाँ पे दोस्तों वो आपका कहलाता है डायरेक्टरी सर्विस। तो यहाँ पे जो कहलाता है वो आपका वो डायरेक्टरी सर्विस। तो सी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच क्राइम इन्वॉल्व्स द यूज़र ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स टू क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट और एक्सेस मटेरियल्स दैट सेक्सुअली एक्सप्लॉइट अंडर एज पर्संस। तो दोस्तों अंडर एज पर्सन के लिए यहाँ पे जो कंप्यूटर्स नेटवर्क्स क्रिएट करता है डिस्ट्रीब्यूट, तो वो आपका कहलाता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो आपका डी आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो डी आंसर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे विच मेथड गो थ्रू ऑल द फाइल्स और नेटवर्क्स एलिमेंट विच एन इंटेंशन टू डिटेक्ट समथिंग अनयूजुअल। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी इसको लगता है कंप्यूटर को कि कुछ अनयूजुअल चीज़ें आ गई है, तो वो क्या करता है, स्कैनिंग करता है। तो यहाँ पे डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU। तो दोस्तों CPU का जो है इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट होता है वो आपका SMPS है, स्विच मोर पावर सप्लाई। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर को जरूर देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके और भी आ सकते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर को जरूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पे SMPS का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि स्विच मोर पावर सप्लाई, UPS का पूछ सकता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये सारे डिफाइन कर रखे हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था, तो आपका वैक्यूम ट्यूब्स था। तो यहाँ पे जो डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट के अंदर तो आपका वैक्यूम ट्यूब्स था, सेकंड के अंदर आपका ट्रांजिस्टर था, और थर्ड के अंदर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स था, और फोर्थ के अंदर जो आपका माइक्रो प्रोसेसर था, और आप आज के ज़माने में जो चल रहा है फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ OS। तो OS का कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो आपका विंडोज जो है वो OS का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों OS का फुल फॉर्म ही पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एंटीवायरस हो गया, MS ऑफिस हो गया, तो ये सारे क्या आपके एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे यूज़र और कंप्यूटर के बीच जो इंटरमीडिएट का काम करता है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाता है। तो यहाँ पे डी आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट्स फाइल इन कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों कंट्रोल पैनल्स के अंदर जो एप्लेट्स फाइल होती है उनका क्या एक्सटेंशन होता है, तो उसका .cpl यानी कि कंट्रोल पैनल ही होता है उसका एक्सटेंशन, तो कंट्रोल पैनल का cpl। तो बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल
कंप्यूटर विथ अ वॉइस कमांड। तो दोस्तों वॉइस कमांड के लिए कौन सा जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो वो सिंपली आपका है ईजी ऑफ एक्सेस। तो डी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप। तो विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है, तो वो आपका F5 है। तो सी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा प्रोसेस जो यूज़ किया जाता है, तो वो आपका बर्निंग प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द बायोस। तो दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बायोस की फुल फॉर्म। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये क्या है, एक तरह का दोस्तों आपका फर्मवेयर है बायोस। तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में से और क्वेश्चन आपके क्या आ सकते हैं कि डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहाँ पे इन दोनों की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज़ यूज टू ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। तो दोस्तों जब भी हम ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे पास कोड कहते हैं उसको। जब भी आप पिन डालते हो तो ब्लूटूथ के अंदर उसे पास कोड कहा जाता है। तो सी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव। तो दोस्तों हार्ड ड्राइव के अंदर जब भी हम डेटा को डिलीट करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, तो आपका जो है फॉर्मेटिंग का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे सी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन फॉर अ मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन कंप्यूटर। तो इसके अंदर जो जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरीज के अंदर रूट डायरेक्टरीज जो होती है उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हम सब डायरेक्टरीज। तो उनको कहते हैं हम दोस्तों सब डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे जो सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द इंटायर डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों हाईलाइट द इंटायर डॉक्यूमेंट यानी कि सभी को सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो आपका कंट्रोल ए होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल ए जो है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल एस जो आपका सेव के लिए, कंट्रोल ओ जो है आपका ओपन के लिए, और कंट्रोल ई जो है आपका सेंटर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट टाइम फंक्शन इन एक्सेल। दोस्तों डेट टाइम फंक्शन दोनों को एक साथ दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे नाउ। तो नाउ का यूज़ किया जाता है। तो सी आंसर जो इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे दोस्तों फाइंड जो है किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, मिड जो है किसी वर्ड या करेक्टर के बीच से जो है वर्ड्स को लेने के लिए, मिड यानी बीच से, मोड आपका मॉड्यूल्स के लिए यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010। तो एक्सेल जो है हमारा वो 2010, उसके अंदर जो फाइल बनती है उसका क्या एक्सटेंशन रहता है, तो वो आपका .xlsx होता है। तो यहाँ पे .xlsx होता है आपका। तो डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे xlsm कर दे तो ये आपका VBA का फाइल एक्सटेंशन होता है। यहीं पे अगर हम .docx कर दे तो ये आपका वर्ड का होता है, और .pptx कर दे तो आपका प्रेजेंटेशन का, पावर पॉइंट का। वहीं पे अगर हम .ccd कर दे तो ये आपका एक्सेस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो इन प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू स्लाइड शो के लिए अगर पूछा जाए तो आपका कंट्रोल एम है। अगर वहीं पे आपसे न्यू प्रेजेंटेशन के लिए पूछा जाए तो आपका कंट्रोल एन हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब समझ गए होंगे। तो दोस्तों और अच्छे नंबर्स अगर आप लाना चाहते हो तो चैप्टर्स को एक बार ज़रूर देखें। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दे दूँगा, चैप्टर्स को एक बार जरूर देखें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब समझ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे।